हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं विक्रांत और आप अवश्य देख रहे हैं विक्रांत ब्लॉग्स। तो गाइस, पूरे एक डेढ़ महीने के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि भाई मेरे एग्जाम चल रहे थे, प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रोजेक्ट और वही सब चल रहे थे, तो उसमें मैं बिजी था। और ये यहाँ पे नीचे कुछ काम चालू हुआ तो इसका नॉइज आ रहा होगा, तो भाई इग्नोर करना। और आज है हमारा फेयरवेल और मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मेरे को धक धक हो रहा है कि भाई सब वहाँ पे आएंगे अच्छे से तैयार व्यार होके, वो भी लास्ट दिन है कॉलेज का, तो सब टीचर सर और स्टूडेंट फ्रेंड्स क्लासमेट सबसे मिलना है, सबसे अच्छे से मतलब हाय हेलो सबसे करना है, जिनसे बात करते हैं उनसे, जिनसे नहीं करते हैं उनसे भी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से थोड़ा ट्राई करेंगे। और मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है मेरी, मैं पहले तो जब इसका कॉलेज का आया, दो तीन दिन पहले आया था कि आज फेयरवेल है, तो मैं सोच रहा था कि हो जाएगा पहले इजी में ले रहा था, लेकिन फिर मुझे अभी आज सुबह में उठा हूँ, आज शाम को है, तो मेरे को लग रहा है भाई मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है। कपड़े वपड़े मैं धो लिया था जो मुझे पहनने थे, एक तो मेरे कपड़े भी इधर नहीं मेरे पास, मैं अभी डोंबिवली में हूँ, मेरे कुछ कपड़े दूसरी जगह है, कुछ गाँव में छूट गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। और कपड़े चॉइस करने में भी दिक्कत हो रही है, और मेन मेरी अभी बियर्ड और ये बाल वाल कुछ सेट नहीं है, और मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जाके सेट करवा लूँ इधर उधर के बाल, क्योंकि मेरे पास मेरे ऊपर छोटे बाल अच्छे नहीं लगते हैं भाई, एक तो बड़े बाल अच्छे लगते हैं या तो फिर बिल्कुल छोटे, ये बीच वाले बाल बहुत बेकार लगते हैं, क्योंकि मेरे बाल का शेप भी थोड़ा बेकार है, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और प्रॉपर ना मेरे सेट नहीं होते बाल, किसी किसी के छोटे बाल में कितने प्रॉपर सेट हो जाते हैं, छोटे छोटे इधर कर लेगा उधर कर लेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, तो वही मैं सोच रहा हूँ। और अगर तुमको ये फॉर्मल अगर पहन के जाते हो तो तुम ये टोपी वोपी लगा के वो सही नहीं लगता भाई, वो अभी लास्ट दिन है, थोड़ा सा अच्छा मतलब थोड़ा सा प्रेजेंस अच्छा करना चाहिए अपने आप को, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है अगर तुम अच्छे कपड़े या फिर अच्छे से तुम ग्रूमिंग होके जा रहे हो, तो वही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए, और मुझे आइडिया भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार मेरे फैमिली में डेथ हो गई थी एक, तो मैं ना अभी नॉइज बहुत आ रहा है, मैं फैमिली में डेथ हो गई थी एक, तो मैं सिर्फ यहाँ पे टकला होने के लिए गया था, तो मुझे आइडिया नहीं है कि सैलून कैसे हैं, क्या है और कौन अच्छा काटेगा, पता चला मैं सैलून में जाऊं और मेरे बाल और खराब करके रख दे तो जाना ही कैंसिल हो जाए मेरा, तो मैं जा रहा हूँ, उनको बोलूंगा भाई थोड़ा सा देख के, तो बस मैं नॉर्मल सेट करवाऊंगा इधर उधर चारों तरफ और सामने छोटे ही रखूंगा, तो मैं देखता हूँ। और मेरा फेस कट मेन आपकी हेयर स्टाइल आपके फेस कट के हिसाब से होनी चाहिए, तो वो सही लगती है, और मेरे को ये आइडिया नहीं है इतना कौन सी हेयर स्टाइल करनी चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा कभी ऐसा इसमें ध्यान नहीं दिया, तो चलो अभी जाके मैं करवाता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। आज मैं वीडियो बना तो रहा हूँ लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि कॉलेज में मैं कभी ऐसा खुल के वीडियो बनाया नहीं हूँ, तो देखूंगा अगर कुछ बनेगा तो ये वीडियो अपलोड करूंगा, नहीं तो फिर बस ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा ये। तो बस अभी मैं सुबह लेट हो गया उठने में, 9-10 बज गए, और उसके बाद मैंने भी कुछ खाया भी नहीं है, तो बस पानी वानी पिया, उसके बाद मैंने थोड़े से फ्रूट्स काटे हैं तो ये मैं खाऊंगा, और बस जल्दी से हम लोग निकलते हैं, तो मैं आपको मिलता हूँ नीचे सैलून में, है ना भाई। घर से तो निकल गया हूँ और पास में ही सैलून है तो वहां पे जाऊंगा, और एक तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, धूप इतनी तेज हो रही है कि भाई आप लोग भी ध्यान दो, मैं भी ध्यान देता हूँ जितना हो सकता है मेरे से, नींबू पानी और ठंडा शरबत और ग्लूकोज वगैरह ध्यान दो, मैं जाता हूँ ढूंढता हूँ पास में वो खुला हो, शायद होप जल्द खुला हो तो मुझे ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, तो जल्दी से मिलता है तो जल्दी से बाल वाल कटवाता हूँ, यार धूप बहुत तेज हो रही है सही में। फ्रेंड्स फाइनली मेरे बाल वाल कट गए हैं, देख लो पहले से तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी हद तक अच्छा लग रहा है, तो बस अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, और उसके बाद देखते हैं खाने वाने का क्या है, क्योंकि भाई शाम को 5 बजे से है और अभी बज रहे हैं 12:30, तो अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, और इसीलिए बोलते हैं कोई भी चीज की पहले से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए कि क्या करने वाले हो, वही है। तो मैंने बाल तो कटवा लिए हैं, फाइनली अच्छे कट गए हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि छोटे बाल थे और मेरे ऊपर बिल्कुल बेकार लग रहे थे, तो अभी पहले से काफी अच्छा लग रहा हूँ, तो अब मैं जाके नहाता हूँ। और कपड़े की बात हो रही है तो कपड़े मैं सोच रहा हूँ फॉर्मल पहन के जाने का, उसके ऊपर थोड़ा सा लेयरिंग हो जाती है वेस्ट कोट वगैरह तो वो ठीक रहता, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है, और मेरे कपड़े कुछ दूसरी जगह पे है, तो उसके लिए और आयरनिंग भी नहीं हो पाई थी प्रॉपर, आयरनिंग पहली बार प्रेस है नहीं मेरे पास, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए तो प्रॉपर सामान अभी धीरे धीरे आएगा, और वहाँ पे हमारा छूट गया दूसरी जगह पे, तो ये मैंने यहाँ पे नीचे अपने कपड़े रख दिए थे, इसी के ऊपर लेटा था, तो प्रॉपर देख लो ये धो वो के रख दिए थे, तो ये देखो प्रॉपर हो तो गए प्रॉपर, ये देखो ये पैंट शर्ट ये चॉइस किया था कि ये पहनूंगा फॉर्मल पैंट और ये शर्ट, मैं तो अगर ये शर्ट फ्रेंड से पूछूंगा अगर ये शर्ट नहीं जमेगी तो ये वाली शर्ट पहन लूंगा नॉर्मल, ये बिल्कुल प्लेन है और इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग है,
तो चलो अब इनमें से कोई सा पहनूंगा और इसको अभी फिर से नीचे दबा देता हूँ और मैं नहा के फिर मिलता हूँ आप लोगों को। भाई मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो बियर्ड भी प्रॉपर सेट नहीं थी, तो मैंने वो सेट कर ली है और नहाने का प्रोग्राम अभी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि भाई जो मैंने कपड़े नीचे दबा के रखे थे तो उसमें अभी थोड़े से सिकुड़न है, वो प्रॉपर फ्रेश नहीं है, क्योंकि भाई मैं गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैं नीचे सो गया था, उसमें मैं नहीं सोया था, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर नहीं पाए। तो पीछे ही एक प्रेस वाली की दुकान है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको उसमें आयरनिंग करवा लेता हूँ और फिर आके नहाता हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं नहाऊंगा फिर उसके बाद वहां पे जाऊंगा तो फिर पूरे गर्मी में पूरा पसीना पसीना हो जाऊंगा, और तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ पहले कि पहले जाके उसको आयरनिंग जल्दी से करवा के आता हूँ फिर उसके बाद। जी गाइस, तो बच चुके हैं पूरे 2:30 और मैंने कपड़े में आयरनिंग वगैरह करवा ली थी, नहा वहा लिया है, सुबह सिर्फ पपाया खाया था तो अभी बहुत जोर की भूख लग रही थी, तो मैंने ये ओट्स बनाया है और लस्सी लेके आया था तो ये मैं ले रहा हूँ। आप लोग भी अपने हेल्थ का ध्यान दें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा चीज खाएं। और एक काम चालू है तो इसकी आवाज आ रही होगी, तो हम चलते हैं अंदर। तो बस यही है, मेन आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या खाना है, जैसे कि अगर आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो आप प्रेफर करें कि फ्रूट्स वगैरह सुबह लें, दोपहर में ये लस्सी हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये सब लें, और रात को दूध लेना प्रेफर करें क्योंकि वो अच्छे से बॉडी में काम कर पाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने लोगों को देखा भाई कभी भी कुछ भी खा लेंगे, इमरजेंसी ये मानते हैं कि रात को कुछ नहीं खाने के लिए, तो आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब क्या खाना है, तो ये जरूर ध्यान दें। बस अभी मैं ये 3:30 मुझे बच जाएगा यही करते हुए, फिर उसके बाद हम 4 बजे यहाँ से निकलेंगे क्योंकि कॉलेज में 5 बजे बुलाया है, तो 1 घंटे पहले निकलेंगे कि जैसे कि टाइम से पहुंच जाए, तो फिर मैं मिलता हूँ आपको रेडी होने के बाद। हाँ जी गाइस, तो ये बज रहे हैं 5 और मैं घर से निकल गया हूँ फाइनली, ऑटो लेके स्टेशन पहुंच गया हूँ। फिलहाल अभी लेट हूँ कॉलेज जाने के लिए, मेरे फ्रेंड लोग पहुंच गए तो उनका कॉल आ रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है ट्रेन आने वाली तो हम निकलते हैं और आपको मिलता हूँ मैं कॉलेज में। हाँ तो गाइज, मैं फाइनली कॉलेज पहुंच गया हूँ और ये रहा मेरा फ्रेंड, इससे आप पहली बार मिल रहे होंगे, ये प्रहर्ष है। और मेरे को थोड़ा शर्म आ रही है अंदर जाने के लिए, तो और भी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, फिर हम चलेंगे। और हमारे क्लासमेट ही है कुछ, वो फोटो सेशन वगैरह चालू है, तो हम बस मैं वेट कर रहा हूँ अपने दूसरे फ्रेंड्स का, और वो आते हैं तो फिर हम अंदर चलते हैं। फाइनली मैं अभी जाके घर पहुंचा हूँ, ट्रेवलिंग में बिजी था तो इसके लिए ब्लॉग व्लॉग कुछ नहीं बना, थक भी काफी गया था, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर और चेंज करूंगा, फिर उसके बाद अगर हो सकेगा तो मिलूंगा आपको और बताऊंगा क्या कैसा हुआ, और वीडियो में तो क्लिप वगैरह डालूंगा ही जो मैंने कॉलेज में किया, और हमको एक गिफ्ट भी मिला है तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या गिफ्ट में है। तो चलो मिलते हैं ऊपर। हाँ तो गाइस, कल रात को फेयरवेल से आने के बाद काफी लेट हो गया था, करीब 9:30 बज गए थे, तो मेरे को बहुत थकान महसूस हो रही थी, तो मैं कल सो गया था, फिर उसके बाद मैं सोचा आज ब्लॉग की एंडिंग कर देता हूँ। तो बस हमने कल काफी इंजॉय किया, टीचर लोगों से मिला, उनको ग्रीट किया, उनके साथ फोटो सेशन हुआ, डांस वगैरह हुआ, नाश्ता पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मतलब दोस्तों के साथ बहुत ही इंजॉय किया, सबसे मिले, और ये हमको गिफ्ट मिला है कॉलेज से, तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको इसमें है क्या, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेमोरेबल रहेगा ये हमारे लिए, तो इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, तो चलो। हाँ तो गाइस, ये रहा हमारा गिफ्ट और इसको ओपन करेंगे, तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा पेन है और इसमें सब स्टूडेंट्स के नेम प्रिंट है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नेम प्रिंट है, तो इसी तरह सब की स्टूडेंट्स के नेम प्रिंट थे, तो बहुत ही अच्छा मुझे ये गिफ्ट लगा। तो बस ऐसा ही था हमारा कुछ फेयरवेल, तो बस आज के ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, आगे बहुत अब ब्लॉग अब रेगुलर आएंगे क्योंकि मैं फ्री हो गया हूँ, तो अब मैं अभी एक प्लांटेशन में जाने वाला हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ पे, तो उसका ब्लॉग 1-2 दिन में आ जाएगा, तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बस ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।